पुलिस लाइन दसड़का में व्यापार मंडल पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के साथ एसपी हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा ने एक अहम बैठक की। बैठक में हमीरपुर शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ बाजार में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रणनीति भी तैयार की गई, तो मास्क लगाने के लिए भी आगामी दिनों में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कैंप लगाए जाने की योजना बनाई गई। बैठक में बाजार में दुकानदारों को वाहनों की पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए मिलकर काम करने पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद एसपी हमीरपुर आकृति शर्मा ने बताया कि पीपीए और व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ मिलकर शहर में वाहनों की पार्किंग समस्या को दूर करने के साथ साथ बाजार में अतिक्रमण ना करने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि बाजार में मास्क न पहनने वालों के चालान किए जाएंगे और बैठक में भी व्यापारियों से आह्वान किया गया कि लोगों को मास्क लगाने के प्रति वे जागरूक करें। आज इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने अपने कुछ मुद्दे बताए हैं, मार्केट से रिलेटेड, ट्रैफिक और पार्किंग से रिलेटेड। उन मुद्दों पे हमने इनके साथ काफ़ी गंभीर चर्चा करी है और मैं आशा करती हूँ कि जो हमने उनसे सहयोग की डिमांड रखी है कि हम लोग मिलकर हमीरपुर पुलिस और व्यापार मंडल मिलकर किस तरीके से लोगों को चलने के लिए और लोगों को पार्किंग में और ट्रैफिक में किसी भी तरीके से कोई समस्या ना आए उसके लिए हम मिलकर काम करेंगे, इसी पर हमने चर्चा की। मास्क के लिए जो एचपी पुलिस एक्ट का सेक्शन 111 है उसके तहत एक प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है उसका चालान किया जाता है। तो वही व्यापार मंडल के सभी सदस्यों के साथ चर्चा हुई कि आप सभी को प्रेरित करें और मिलकर एक हम जिन जो मास्क जो लोग नहीं पहन रहे हैं उन्हें मोटिवेट करें किस तरीके से जो है मास्क पहनकर COVID-19 से बचा जा सकता है। और आपके जरिए मैं सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया करके मास्क पहने, इससे आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में रहेगी। सभी को गाइडलाइन दी गई है कि काइंडली वो ऐसा ना करें एंड जस्ट इन केस अगर ऐसा बार बार वो कर रहे हैं और मार्ग उसकी वजह से अवरुद्ध हो रहा है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली जो भी हमारी प्रक्रिया है उसको हम फॉलो करें। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि एसपी हमीरपुर के साथ व्यापार मंडल की बैठक में शहर में अतिक्रमण की समस्या को लेकर दुकानदारों की बाकी समस्याओं पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस को आश्वस्त किया गया है कि किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए व्यापार मंडल हर समय तैयार रहेगा। उन्होंने कहा कि ज़्यादा चालान के मुद्दों को भी रखा गया और आगामी दिनों में जागरूकता अभियान चलाए जाने के लिए भी योजना तैयार की गई। बाजार में अतिक्रमण को लेकर अगर कोई बात होती है तो व्यापार मंडल हम लोग सारा एडमिनिस्ट्रेशन का पहले भी सहयोग करते आए हैं और आगे भी हमारा सहयोग जो है बरकरार रहेगा। तो मैडम को हमने अश्योर किया है कि व्यापार मंडल की तरफ से आपको जब भी कभी ऐसा कोई सहयोग की व्यापार मंडल की कोई आपको लगेगा तो हम आपके साथ हैं और पहले भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने मिलजुल के काम किया है, आगे भी करेंगे। और एक हमने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है मैडम को कि मैडम ये जो चलांस का जो इशू है, चाहे वो मास्क का है, चाहे वो ट्रैफिक के ऊपर था या ऐसा कोई भी इशू है, तो हमने उनको एक ही बात बोली है कि अपना एक अवेयरनेस कम्पेन एक ग्रुप में हम इनके साथ मिलकर के चला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चलान से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम लोगों को अवेयर करें मास्क लगाने के लिए या गाड़ी अपनी प्रॉपर ढंग से लगाने के लिए, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है।